Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हमारे वेद पुराण में ऐसे कई कहानियाँ और किस्से हैं जो हमको एक सीख दे जाते हैं, और उन्हीं में से एक प्रसंग भगवान श्री गणेश और कुबेर का मिलता है। इस प्रसंग में बताया गया कि व्यक्ति के पास चाहे कितना भी धन आ जाए, उसे घमंड नहीं करना चाहिए। धन के राजा कुबेर को एक बार एहसास हुआ कि इस पूरी सृष्टि में उनसे अधिक कोई भी धनवान नहीं है, और जिसका उन्हें धीरे धीरे घमंड होता चला गया। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना सबको भोज के लिए आमंत्रित किया जाए। फिर क्या था, कुबेर हर देवी देवता के पास अपना निमंत्रण लेकर गए और सभी को भोज के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद वो कैलाश पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान शिव के सामने अपना निमंत्रण प्रस्ताव रखा। भगवान शिव तो अंतर्यामी हैं, उन्होंने कुबेर के घमंड को पल भर में भांप लिया। भगवान ने कहा कि मैं किसी आवश्यक कार्य के चलते आपके भोजन में सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा, पर आप तनिक भी चिंतित ना हो, मेरी जगह मेरा पुत्र गणेश आपके यहां पहुंचेगा। अगले दिन सभी देवी देवता कुबेर के यहां भोज के लिए पधारे, और साथ में पधारे भगवान श्री गणेश। भगवान श्री गणेश के सामने भोजन परोसा गया, जिसे पलक झपकते ही उन्होंने चट कर दिया। भोजन बार बार आता गया और गणेश जी उनको खाते चले गए। एक समय ऐसा भी आया जब कुबेर के यहाँ भोजन समाप्त हो गया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, भोजन आने में कुछ समय और लगेगा, तब तक आप इंतजार कर लें। गणेश जी ने कहा, अगर अभी मेरे सामने भोजन नहीं आया तो मैं तुम्हारे घर की हर एक वस्तु को खाता चला जाऊंगा। यह सुनकर कुबेर घबरा गए और तुरंत ही उनको अपने घमंड का पश्चाताप हुआ। इसके बाद उन्होंने भगवान गणेश से अपनी गलती की क्षमा याचना की। यह प्रसंग हमें बताता है कि हमें जीवन में कभी भी किसी वस्तु या जो आपके पास औरों से अधिक है, उसका घमंड नहीं करना चाहिए। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.